कुंवर जगमाल, हमने कहा इसे पकड़िए। कुंवर जगमाल, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? कुंवर जगमाल, हमने कहा इसे पकड़िए। अरे बेना, यदि कुंवर जगमाल छुरी नहीं पकड़ रहे तो आप इतनी हट क्यों कर रहे? रहने भी दीजिए, अभी तो वो बच्चे हैं। एक राजपूत राजकुमार है, आगे जाके इन्हें मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करना है। यदि अभी इसे हथियारों से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या गुड्डे गुड्डियों से प्रेम करेंगे? लो कुंवर जगमाल, पकड़िए इसे। अरे बैना, हमारा तो यही मानना है, सभी बच्चों की होती है अपनी अपनी नियति, अपनी अपनी प्रकृति। और वैसे भी सेना का नेतृत्व करने के लिए कुंवर प्रताप तो है ना, अभी राणा जी ने कल ही तो घोषणा की है उन्हें सेना में सम्मिलित करने की। और हमें पता है बैना, समय आने पर राणा जी हमारे कुंवर शक्ति को भी क्षमा कर देंगे। और देखना, बड़े होकर कुंवर शक्ति और कुंवर जगमाल कुंवर प्रताप के दाएं और बाएं हाथ बनेंगे। नहीं सज्जा जीजा, हमारे कुंवर जगमाल किसी के दाएं या बाएं हाथ नहीं बनेंगे। यदि वो कुछ बनेंगे तो मेवाड़ के सर्वोच्च सेना नायक बनेंगे। हम किसी का शासन नहीं चलने देंगे इन पर, ये करेंगे सब पे शासन। पर रानी साहब, हमने तो सुना है कि बावजी राज प्रताप युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो रहे, उनकी तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं रही। क्या आपने ये समाचार हमें पहले क्यों नहीं दिए? हमें लगा ये तो राजमहल में सबको पता है, इसलिए। अगर कुंवर प्रताप हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम स्वयं जाएंगे और इन भीड़ों को समझाएंगे। राणा जी, इतना बड़ा संकट आप स्वयं कैसे मोल ले सकते हैं? नहीं नहीं रावत जी, इन भीलों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतिहास में इन भीलों ने हमारे पूर्वज बप्पा रावल के कंधे से कंधा मिलाकर उनके नेतृत्व में अरबों से युद्ध लड़ा था। ऐसे ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ ना बनाए रखने के हमारे प्रयास के लिए हम राष्ट्रहित में इनसे क्षमा मांग लेंगे। पर हुकुम राव प्रताप जी, अब और कोई विकल्प भी नहीं बचा, हमें इनका विश्वास जीतना ही होगा। यदि इस युद्ध में भीलों ने हमारा साथ नहीं दिया और मुगलों का साथ दिया और अपने जंगलों से जाने का इन्हें सुरक्षित मार्ग दे दिया तो पलक झपकते ही मुगल सेना चित्तौड़ पहुंच जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा रावत जी। उचित है राणा जी, हम अभी आपके प्रस्थान और वहां तक की यात्रा का आवश्यक प्रबंध करवाते हैं। मदिरा नहीं, मातो घूम रहे हो, हमें हमारा जी संकट में नहीं डालना है, क्योंकि हमें युद्ध करना है। युद्ध? युद्ध नहीं, बैरम खान जी क्या कहते हैं उसे, जांग जांग। हाँ, जंग करना है। जंग करना है? जंग करनी है, जंग जंग करनी है हमें। आप सब जाइए, हमें जंग के बारे में सोचने दीजिए, जाइए। जंग लड़नी है, जंग मेवाड़ के साथ, जंग उदय सिंह के साथ, जंग। हुजूर, जनाब का एक बाल बुलंद हो। एक बाल क्यों? हमारे सारे बाल बुलंद हो। कहिए हुजूर, आपके सारे बाल बुलंद हो, जय हो। हुजूर, आपके लिए बैराम खान साहब का पैगाम लाया हूँ। बैराम खान का पैगाम? लाइए लाइए लाइए। राव सुल्तान सिंह, हमारे ख्याल से उदय सिंह भीलों को अपने साथ मिलाने में लग गया होगा, उसकी इस हरकत को हमें रोकना होगा, जिसके लिए हमारी ये तजवीज है कि आप फौरन चित्तौड़ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें। इससे उदय सिंह और उसकी फौज के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो पहले बूंदी की फौज से चित्तौड़ को बचाए। जाहिर है वो पहले चित्तौड़ को बचाने में लग जाएंगे, तब तक हमारी फौज जंगल पार करके बूंदी के उत्तरी दरवाजे पे पहुंच जाएगी। बैरम खान जी, बड़ा हो गया। ये बैरम खान जी की जो खोपड़ी है ना, वो एकदम हमारी तरह है, चतुर है हमारी तरह। उदय सिंह जी, हमें गंदे खड्डे में डाला था आपने, अब हम आपको और आपके पुत्र दोनों को गंदे खड्डे में डालेंगे। जब हम आपको कीचड़ से सनसना देखेंगे तब हमारो जी बावड़ो होएगो।
यूसुफ, आप बैरम खान जी को हमारा एक संदेशा देना। क्या संदेशा देंगे, हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएं, कहिएगा कि वो हमारे लिए अवतार बन के आए हैं। अवतार जी। बैरम खान जी, जी बावड़ा हो गया। चक्रपाणी, ये साधुओं की टोली कहाँ जा रही है? हमें लगता है ये सब संत मीराबाई जी के भक्त हैं और उन्हीं के भजन सुनने जा रहे हैं। आजकल वे पुष्कर आई है ना। मीराबाई जी, हमारी भूजी? हाँ हाँ, आप ही के परिवार की सदस्य, आपके दाजराज के बड़े भाई की पत्नी। तो फिर कभी मेवाड़ ना लौटने की शपथ के साथ यहाँ से बहुत सालों पहले चली गई थी। हाँ चक्रपाणी, ये हमारे परिवार के एक ऐसे दुखद अध्याय है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता। कहते हैं कि यदि मीराबाई जी ने मेवाड़ नहीं छोड़ा होता तो जो विपदाएं मेवाड़ पर आई हैं वो कभी नहीं आती। हाँ सुना, जब से संत मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाया उसने सारे संबंध को त्याग दिया है। अब तो कहते हैं उनका समूचा जीवन ही श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है। हम भी इनसे अब अवश्य मिलेंगे। धान को जितना कूटा है उससे अधिक और कूटिए। सैनिकों को पचने में आसानी होनी चाहिए युद्ध भूमि में। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप ने महत्वपूर्ण पद मिलने से पहले युद्ध से अपना हाथ खींच लिया। हम कहते हैं उन्हें यहाँ बुला लीजिए जीजा, इन औरतों की थोड़ी सहायता हो जाएगी। हल्के हाथ से करिए, हल्के हाथ से। हमारे कुल के पहले बालक है ना, इतनी छोटी उम्र में वैराग्य हो गए, हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। कुंवर प्रताप को मात्र कृष्णा की हत्या के आघात से उबरने में समय लग रहा है। जैसे ही वे इस आघात से उबरेंगे उनका भी रक्त प्रतिशोध की आग में उबलने लगेगा। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, हम मीरा माता के भजन सुनने के लिए जाना चाहते हैं। वे पुष्कर आई हुई है गिरधर गोपाल जी के मंदिर में। रानी माँ, क्या हम जा सकते हैं? कहाँ सुन लिया आपने ये संत मीरा माता के भजन? रानी माँ, एक साधुओं की टोली जा रही थी ये भजन गाते गाते, उन्हीं से सुने हमने ये भजन, भक्ति के रस में डूबे भजन। सुनते हमारे मन में जो भी चल रहा था उन सभी पर छा गए ये भजन। इतना शांत हो गया हमारा मन रानी माँ कि हम आपको क्या बताएं। अच्छा लगा जैसे धीरे धीरे ये भजन हमारे रक्त में घुलते जा रहे हैं। वाह जीजा, इनकी रगों में बिल्कुल राजपूतों जैसा रक्त उबल रहा है। कुंवर प्रताप, आप किसी भजन के लिए नहीं जाएंगे, आपकी इन सब के लिए उम्र नहीं है अभी। कैसी बातें कर रही हैं जीजा, भक्ति की भला कोई उम्र होती? जब ईश्वर का बुलावा आए
चल पड़ा। आप चिंता मत कीजिए कुंवर प्रताप, आपकी छोटी माँ आपको ले जाएगी, क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं जब मन अशांत हो तो कैसा लगता है। सहयोग के लिए धन्यवाद धीर भाई जी, किंतु यदि इन्हें वहां जाना है तो हम स्वयं जा सकते हैं अपने पुत्र के साथ। धन्यवाद रानी माँ, चलिए कुंवर। कृष्ण मुरारी अब तो दर्शन दे दे। मेरे गुरुदेव गोपाल, मेरा ये जीवन तुझे समर्पित। एक समय की बात, एक माँ जो अपने शूर वीर पुत्र के पीछे पड़ी रहती थी कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएगा, लोगों को न्याय दिलाना तो भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा, उन पर अत्याचार हो रहे तो भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा, फिर चाहे नियति की पुकार क्यों ना, फिर भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। समय बीता, अब जब उस माँ को अपनी भूल का आभास हुआ तो ये जाने लगी कि उनका पुत्र नियति के संकेत को समझे और शस्त्र को उठाए, मगर विधि की विडंबना को देखिए अब वही पुत्र शस्त्र उठाने से मना कर रहा है। कर्मन की गति न्यारी संतो, कर्मन की गति न्यारी। आपने बुलवाया? कोकोया जी, हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम आज कितने प्रसन्न हैं। जिस समस्या का हल हमें मिल ही नहीं रहा था, एकलिंग जी ने उस समस्या का हल कर दिया। हमारे इतने प्रयासों के उपरांत कुंवर प्रताप तो ईश्वर को प्यारे ना हुए तो क्या हो, ईश्वर तो कुंवर प्रताप को प्यारे हो गए ना। और जिसे इस संसार में ईश्वर प्यारा हो जाता है वो तो बस भजन कीर्तन करता है। अच्छा हुआ जो आपने ये हथियार उठा लिया, अब सारा कारोबार मेवाड़ का आप ही को संभालना है ना कुंवर जगमाल? मीरा माता, हमें भी अपने साथ द्वारका ले चलिए ना, हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे,
केवल आपकी और प्रभु की सेवा करेंगे हम, और इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपने भजन सुनने दीजिएगा। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो भी आता है वो भक्ति के बदले सांसारिक वस्तुओं को चाहता है। किसी को भूमि चाहिए, किसी को भवन, किसी को धन, और किसी को तो व्यवसाय में उन्नति चाहिए। किंतु आप ऐसे पहले ही भक्त हैं जिन्हें भक्ति के बदले प्रभु का मार्ग चाहिए। इसलिए तो हमें चिंता हो रही है मीरा भाभी, इतनी छोटी उम्र में अपना राज्य, माता पिता, परिवार सब छोड़कर मंदिर की चौखट बुहाना चाहते हैं ये। इन्हें समझाइए ना मीरा भाभी। हम मार्ग को नहीं चुनते हैं, मार्ग हमें चुनता है। यदि प्रताप अपने मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्ग में चलना चाहते हैं तो इसमें ना आप कुछ कर सकती हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। किंतु इन्हें आप हमारे पास छोड़ जाइए। नहीं मेरा भाभी, हमारा मन नहीं मान रहा। हमने कहा ना आपसे, इन्हें आप हमारे पास छोड़ जाइए। जब उपयुक्त समय आएगा तो ये अपने आप आपके पास लौट आएंगे। मीरा भाभी, ये मात्र 14 वर्ष के हैं। तो सीखने दीजिए नए अनुभव से कुछ। अर्थात आप हमें द्वारका ले चलेंगे मीरा माता? जी हाँ, ले जाएंगे। नहीं मीरा भाभी, नहीं। रानी माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? हम जानते हैं रानी माँ कि हम क्या कर रहे हैं, और इस बहाने हमें मीरा माता के साथ रहने का अवसर भी तो मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है रानी माँ? आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। द्वारका तो हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, किंतु आपको एक साधारण सा भिक्षु बनकर हमारा एक छोटा सा काम करना होगा गिरधर गोपाल के लिए। आज्ञा दीजिए मीरा माता, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। ठहरी, हम अभी आते हैं। ये लो पात्र। लो प्रताप, पहले आप अपनी रानी माँ को उनके काडोले तक छोड़ाइए, और हाँ, अपनी रानी माँ को अपने सारे आभूषण, धन और सारी मूल्यवान वस्तुएं सौंप दीजिएगा, और फिर गांव से भिक्षा मांगकर हमारे गिरधर गोपाल के लिए उनकी भोग की सामग्री ले आइएगा। जी मेरा माता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कदर न जाने को घायल की गति, घायल ही जाने जो कोई घायल हो। भिक्षा दे दो, नहीं दे दो भिक्षा। बाबा एक रोटी दे दे, बीबी के बच्चे भूखे चल रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। क्षमा कीजिए दादा,
किंतु हम स्वयं ही भिक्षु हैं। जय श्री कृष्ण। गुड़ चावल मिलेगा भिक्षा में बाबा? तुम कहीं बाहर से आए हुए लगते हो बेटा। जी हाँ। तभी इस लूटे हुए गांव में भिक्षा मांग रहे हो? लूटे हुए? किसने लूटा इस गांव को? मुगल सेना ने। और किसने बेटा?